और एक हिंट दे देता हूँ, उसमें कुछ ऐसा था कि वो बंदा कह रहा है कि डोरेमोन रियल लाइफ में है, डोरेमोन की स्टोरी रियल लाइफ में के टाइम पे रात के 12 बज रहे हैं और काफ़ी शांत है, तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैं डोरेमोन के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखी डोरेमोन के बारे में, एक बहुत ही हॉरर और क्रीपी स्टोरी जो कि रियल लाइफ में है। अब मुझे नहीं पता कि ये रियल लाइफ स्टोरी सही है या फिर फेक है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सच में आप लोगों को वो सुनना चाहिए, मतलब सच में बहुत ही शॉकिंग है। और डोरेमोन का क्या लिंक है इसमें, जरूर से वीडियो लास्ट तक देखना। तो हुआ कुछ ऐसा कि 2023 के अक्टूबर मंथ में 20 तारीख को एक लड़का मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया, जो कि क्लास 10th में पढ़ता था और उसका नाम था उतिशो ओशिमा, और 20 तारीख को अननोन तरीके से गायब हो गया। तो उसके दोस्त ने ही ये स्टोरी शेयर करी है और उसने ये चीज़ कही थी कि जो उसका दोस्त था वो उससे कहा करता था कि सितंबर से उसने एक आदत ही स्टार्ट कर दी थी, जब भी वो डोरेमोन के एपिसोड वॉच करता तो नुबता जो भी उसमें हरकत करता था, यानी अगर नुबता क्लास में सोता था तो फिर वो जो बंदा था उसका दोस्त था जो कि गायब हो गया, तो फिर वो क्या करता था, वो जानबूझ के क्लास में सोता था और जानबूझ के टीचर से डांट खाया करता था। पता नहीं एकदम से उसके अंदर ये सब कीड़ा कहाँ से आ गया कि वो डोरेमोन सीरीज को फॉलो करने लग गया, मतलब जो चीज़ नुबता डोरेमोन का गैजेट लेके करता था और वही चीज़ वो रिपीट करता था। तो यार यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि वो जो लड़का था वो 20 अक्टूबर को गायब हुआ था, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही उस बंदे ने कहा, जो उसका दोस्त जो कि गायब हो गया था, उसने कहा था कि मैंने डोरेमोन का एक एपिसोड देखा है जहाँ पे नुबता एक ट्री के अंदर जाता है और वो टाइम ट्रेवल करके किसी और वर्ल्ड में चला जाता है, तो मैं ना आज एक काम करूंगा, मैं फॉरेस्ट में जाऊंगा और वहां पे मैं एक ऐसा ट्री ढूंढूंगा जिसमें एक गेट होगा और मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो फिर उसके दोस्त ने तो काफ़ी मना करा कि बोला भाई ये बचकाने हरकत छोड़ दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, टाइम ट्रेवल तो नहीं कर सकता और ज़रूरी नहीं है कि डोरेमोन में जैसा दिखाया जाए वैसा रियल लाइफ में हो। तो उस बंदे ने क्या करा, उसने सभी बातों को इग्नोर कर दिया, अपने दोस्तों की सभी बातों को इग्नोर कर दी और 19 तारीख के रात को चला गया था वो ट्री फाइंड करने जहाँ पे गेट था। तो फिर यार क्या हुआ कि पूरी रात गुजर गई, 20 तारीख के शाम तक भी वो बंदा नहीं आ पाया। तो उसके मॉम डैड ने पुलिस को कंप्लेन करा और पुलिस ने हेलीकॉप्टर से पूरी रिसर्च टीम ने उसको फाइंड करा, लेकिन वो लड़का कहीं पे भी नहीं मिला। मतलब यार सोचो, उसका कोई एविडेंस ही नहीं मिला, मतलब वो मिस्टीरियस तरीके से सच में गायब हो गया था। मतलब यार सच में बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी। और ये बात इतना ही नहीं हुआ, उसके गायब होने के जस्ट 3 और 4 दिन बाद ही जो उसका दोस्त था उसको अजीब अजीब से आवाज़ आने लगी रात को कान में, जैसे कि कोई उसको बुला रहा है। मतलब यार सच्ची में ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी जो कि उसके दोस्त के साथ हो रही थी। उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो गायब हो गया मिस्टेरियस तरीके से, उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन रही बात कि अभी वो जो बंदा था वो बता रहा है कि अभी कुछ दिनों से उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसका दोस्त किसी और वर्ल्ड में है या फिर पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन वो उसको मदद के लिए बुला रहा है, क्योंकि जब भी वो सोता है तो हमेशा रात को उसके कान में कोई आवाज़ देखिए बुला रहा होता है, क्या हो रहा होता है, विस्परिंग आवाज़ आ रही होती है, तो उसके साथ ये चीज़ हो रही है। और अभी उसको काफ़ी डर लग रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो भी गायब हो सकता है। तो ये चीज़ सच में काफ़ी शॉकिंग है और मुझे यार सच्ची में काफ़ी अजीब सी लगी कि पहली बात तो ये कि जो बंदा गायब हुआ उसको एकदम से डोरेमोन की चीज़ को फॉलो करने का आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया, ये चीज़ उसके अंदर से कैसे एकदम से आ गई, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो बंदा गायब हो गया 20 अक्टूबर को 2023 को गायब हो गया, तो उसके दोस्त के साथ ही अब क्या हो रहा है कि उसके कान में विस्परिंग होने लग गई है, कोई उसको आवाज़ देके बुला रहा है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा हॉरर लगता है। मतलब यार तुम लोग खुद ही सोचो कि तुम लोग रात में सो रहे हो और तुम्हारे कान में आवाज़ आ रही है, अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है, और तुम लोग किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करने वाला। तो सोच लो कि ये जो सिचुएशन है कितनी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसके फ्रेंड को एक चीज़ मिली, जो कि अभी कुछ 3 से 4 दिन पहले उसको एक मैसेज मिला, एक चिट्ठी मिली, जो कि उसके रूम में बिल्कुल मिस्टीरियस तरीके से पता नहीं कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, और उसमें कुछ ऐसा लिखा था जो कि सच में आप लोगों को बहुत शॉक कर देगा, जो कि यार मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। और एक हिंट दे देता हूँ, उसमें कुछ ऐसा था कि वो बंदा कह रहा है कि डोरेमोन रियल लाइफ में है, डोरेमोन की स्टोरी रियल लाइफ में है, डोरेमोन का यूनिवर्स सच में कहीं पे एक जगह है जहाँ पे सच में ये सारी चीज़ें हैं। और उसका कहना यह है कि फ्यूजियो एफ फूजे, कि
के माइंड में जो क्रिएशन थी वो उनकी क्रिएशन नहीं थी, उनको भी ये एक तरीके से सपना भी नहीं आया था, उनको हकीकत में उन्हें ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी और जिसके बारे में उन्हें फिर ये सीरीज़ बनाई। मतलब जस्ट इमेजिन कि ये डोरेमोन का जो यूनिवर्स है, डोरेमोन की जो सीरीज़ है, वो रियल लाइफ में भी हो सकती है, हमारे यहाँ पे नहीं किसी और यूनिवर्स में। और यही चीज़ सेम टू सेम जो कि आज उसका दोस्त गायब हो गया, क्या फ्यूचर फूजी भी कुछ टाइम के लिए ऐसे गायब हो गए थे, उसके बाद जब वो अर्थ पे आए तो उनने ये डोरेमोन की सीरीज़ लिखी और जो कि इतनी ज़्यादा हिट हुई। इस पर आप लोगों का क्या कहना है जरूर से बताना, और पार्ट टू के लिए यार कमेंट करना, तो बताना ये स्टोरी कैसी लगी आपको, और पार्ट टू के लिए मस्ट रिकमेंड करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करो और अपने दोस्तों को भेजो और उनसे पूछो कि क्या उनको भी कुछ ऐसा कुछ फील हुआ है कभी। और डोरेमोन की सीरीज़ देखते टाइम आप लोगों को लगता होगा कि यार एक बंदा इतनी फ्यूचर वाली चीज़ें सोचना, इतनी गैजेट सोचना, उनके वर्क सोचना, किसी नॉर्मल ह्यूमन के माइंड में ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। और ऐसा इंसान तभी सोच पाता है जब वो खुद ही ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाता है। तो सच्चे में यार ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी आप लोग कह सकते हो, तो शेयर कर मैं दोस्तों को, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना एनिमेशन एरा को, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, तो मस्ट है सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।